नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सफेद मूसली की खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। ऐसे में खेती करने वाले किसानों का कहना है कि एक एकड़ में सफेद मूसली की खेती करने पर उन्हें लगभग 5 लाख रुपए तक का मुनाफा हो रहा है। बेंगलोर बेस्ड फसल कंपनी ने फसल वाटर क्रेडिट प्रोग्राम के तहत देश के 31 किसानों को मार्च 2021 में वाटर चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया। अदामा एग्रीकल्चर सॉल्यूशन कंपनी भारत में नया पायलट फॉर्मुलेशन R&D सुविधा केंद्र खोलने जा रही है, जो इसराइल, चीन और भारत में स्थित अदामा की लीडिंग फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को पूरा करेगा। सीमेंट सेंट्रो एक्सपेरिमेंटल संजय राजा रमन के नाम पर अपनी वीट एक्सपेरिमेंटल स्टेशन का नाम बदल रही है। आपको बता दें कि वीट प्रोग्राम के फॉर्मर डायरेक्टर संजय राजा रमन को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सरकार की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन और बेयर कंपनी ने देश में नवाचार साथ ही उद्यमशीलता की पहल को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने के लिए साझेदारी की है। इस बीच दोनों पक्षों ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर भी किए हैं। वॉइस ऑफ वसाई बाय कृषि जागरण 16 अप्रैल को शाम 6 बजे कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर लाइव होगा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि वल्गारो SPA के ग्लोबल रेगुलेटर अफेयर्स मैनेजर डेविड ई कार्डेन, इंडियन बायो स्टिमुलेंट्स रेगुलेटर कंप्लायंस एंड EU प्रोस्पेक्टिव पर कृषि जागरण के एसोसिएट एडिटर विपिन सैनी से अपनी बात साझा करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में लू चलने के कारण तापमान अधिक बढ़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार कुछ राज्यों में बारिश होने की संभावना है, तो वहीं पश्चिम विक्षोभ के कारण हिमालय क्षेत्रों में 17 अप्रैल तक तेज हवाएं चलेंगी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।